हेलो सो एस के इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे हमेशा दोस्तों ये फ्रिज की पीसीबी आई है रिपेयर होने कस्टमर का कहना ये है कि भैया हम जैसे ही ऑन करते हैं अगर तो मेरे पास मकैनिक लेके आया इसको उसने जैसे ही ऑन करते हैं मतलब इसको तो एम सी भी ट्रिप कर देता है जबकि देखिए इसका जो फ्यूज़ था वो भी इतनी बुरी तरह से जल गया है मकैनिक ने इसके अंदर फ्यूज भी डाल के देखा फिर भी ओपन हो जा रहा है फ्यूज़ और साथ में एमसीबी ट्रिप हो जा रही है जबकि इसमें कोई एम भी नहीं है ना इसमें कोई कोयल है डायरेक्ट जो हमारा रेक्टिफायर है उस पर लाइन गई हुई है और पहले यहाँ पे लाइन को ट्रैक कर लीजिए फिजिकली यहाँ पे जो दोस्तों पहले देख लीजिए एक कैपिस्टर फटा हुआ है यहाँ कोयल लगे होती है वो भी नहीं है इसमें ना एम है वो हो है ही नहीं इसके अंदर डायरेक्ट कैपिस्टर पे करंट जा रहा है इससे रेक्टीफायर से हो गए तो दोस्तों सबसे पहले हम मेन लाइन की पॉइंट्स ट्रैक करेंगे ये जो देखिए दोस्तों कोयल को डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर हमारी लाइन आई हुई है ठीक है यहाँ पर पावर फैक्टर के लिए जो कैपेसिटर लगा होता है वो भी नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये दो लाइन हमारी मेन की है तो अब इसके अंदर कनेक्टर है कनेक्टर के अंदर मेन लाइन के पिन कौन सी है वो देखेंगे सबसे पहले क्योंकि जब भी तो हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ देखेंगे फिजिकली में देखने में दोस्तों हमारा सिर्फ कैपेसिटर ब्लास्ट है यहाँ पर मतलब फूला हुआ है ब्लास्ट तो नहीं हुआ है अभी तो डायरेक्ट आई पे करंट जाता है उससे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट कैपेसिटर से आगे तो सीधा आई है तो दोस्तों या तो आई भी शॉर्ट हो सकती है या हमारा रेक्टिफायर भी शॉर्ट हो सकता है या कैपिस्टोर भी शॉर्ट हो सकता है तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे सबसे पहले इसके अंदर फ्यूज डालेंगे फ्यूज डालने पहले जो कनेक्टर है इसमें देखेंगे मेन लाइन के कनेक्टर कौन से हैं देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है ये माइनस माइनस के पिन होते हैं बीच में यहाँ कोयल लगी होती है कोईल डायरेक्ट कर रखी है ठीक है यहाँ से फ्यूज़ है फ्यूज़ से होते हुए लाइन सीधा हमारी यहाँ पर आ गई यानी कि एक पॉइंट ही हो गया ठीक है जी एक पॉइंट डायरेक्ट आ रहा है ये ये दोनों पॉइंट हमारे मेन लाइन के हो गए क्योंकि रेक्टिफायर पर जो वोल्टेज आती है यहाँ से जो जाती है मेन लाइन से तो मेन लाइन के ट्रैक यहीं पर आ रहे हैं रेक्टिफायर से तो ये वाले में हमारे रेक्टिफायर के यानी कि मेन लाइन के ट्रैक हो गए यानी कि पहला और दूसरे को छोड़ के तीसरा तो इसके अंदर पहले फ्यूज लगाएंगे दो दो एम का मैं आपको यहाँ पे फ्यूज की टेस्टिंग दिखाता हूँ बिल्कुल नया फ्यूज़ है ये देखिए दोस्तों ये देखिए ठीक है रीडिंग आ रही है नया फ्यूज़ है ये देखिए दोस्तों जैसे मैं फ्यूज़ लगा रहा हूँ बहुत ढिला आ रहा है तो पहले क्या करेंगे इस जो हमारी फ्यूज़ का जो होल्डर है उसको थोड़ा टाइट करेंगे वो कैसे ये थोड़ा खुल जाता है तो इसको थोड़ा नेड़ा करना पड़ेगा तो चिमटी से मतलब अंदर की तरफ को प्रेस करनी पड़ेगी इसकी जो हमारी पिने हैं अंदर की तरफ को दबानी होंगी उससे क्या होगा ये फ्यूज़ को जगड़ के रखेगा फिर हमारा काम वर्किंग फाइन रहेगी मतलब काम अच्छा रहेगा और ठीक रहेगा तो सबसे पहले तो हमें यही करना है फ्यूज़ को टाइट करना है दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहते हो एलईडी टीवी टी वी वगैरह यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑलराउंडर बनना चाहते हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जिसने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है जिसने नहीं कर रखा वो कर लो क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कुछ रोज़ नया सीखने को मिलता है क्योंकि हमारे दोस्तों यहाँ पर शॉप है कुछ ना कुछ रिपेयर होने के लिए आता ही रहता है और नई नई चीज़ें आती हैं नए नए फॉल्ट लेके आते हैं कस्टमर भी आते हैं मकैनिक ज़्यादा आते हैं कस्टमर का मकैनिक जाते आते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट वो लाया जाता है जो रिपेयर नहीं होता है कहीं पर तो ज़्यादातर वही कोशिश करते हैं लाने की लेकिन जो हमारे पुराने मैकेनिक अब बन गए हैं हमसे दुकानदार जो जुड़े हुए हैं वो सीधा यहीं ले जाते हैं चाहे फाल्ट छोटा हो चाहे बड़ा उन्हें पता है कि हो जाएगा कोशिश पूरी करेंगे भैया हो जाएगा तो देखिए दोस्तों पहले तो हमने होल्डर जो है फ्यूज़ का वो टाइट किया हमने यहाँ पर लगा दिया ठीक है जी अब हमें टेस्टिंग करनी होगी देखिए वैसे तो देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा पाँच सौ सात सौ के आसपास रीडिंग आ रही है अब इसी कनेक्टर पिनों पे दो पिन लगाएंगे और उसको स्रिज बोर्ड में लगाएंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं एक पिन यहाँ लगा दी एक पिन पहली को छोड़ के मतलब दूसरी को छोड़ के तीसरी में लगा दी यानी जो मेन लाइन की पिन है ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसमें ऐसे लगाए तो सब में ऐसे लगे हमें देखना है कौन सी देखिए जैसे हमने इसमें स्रिज बोर्ड में बल्ब जो ये लगाया पिन ऐसे ही बल्ब फुल ग्लो हो गया देखिए ये देखिए फुल ग्लो हो रहा है और हमारी पी में कोई भी इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है देखिए ठीक है जी क्योंकि फिजिकली इसके अंदर अभी डैमेज है जो चीज़ फिजिकली डैमेज लग रही है पहले तो उसको निकालेंगे उसको रिप्लेस करेंगे उसको रिप्लेस करने के बाद टेस्ट करेंगे देखिए फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है अभी तो तो सबसे पहले क्या करेंगे जो हमें फिजिकली चीज़ें दिख रही हैं ख़राब है उनको निकालेंगे उसके बाद में शॉर्टिंग चेक करेंगे तो हमें ये फिजिकली में क्या दिख रहा है ये कैपेसिटर हमारा ओपन है यानी कि ऊपर की तरफ को फुला हुआ है तो सबसे पहले इसी को निकालेंगे इसको हम यहाँ पर शोल्डिंग हटा के इसकी निकाल देते हैं तो इसको हमें यहाँ से रिमूव करना होगा इसकी वैल्यू चार सौ पचास सौ सैंतालीस सौ में पे अभी दिखाऊंगा आपको तो जब इसे निकाल दो तो सिर्फ एक सेकंड के लिए आपको चेक करना है क्योंकि आईसी पे डायरेक्ट वोल्टेज जा रही है अब देखिए अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है देखिए फिर से दिखाता हूँ ये देखिए ये देखिए अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है तो हम ज़्यादा देर तक चेक नहीं करेंगे क्योंकि अब डायरेक्ट प्योरिटी वाली करंट नहीं जा रहा है वोल्टेज नहीं जा रहे हैं हमारी आई सी पे तो इसको ज़्यादा ज़्यादातर चेक नहीं करेंगे तो दोस्तों अब क्या हो सकता है ये रेक्टिफायर भी शॉर्ट हो सकता है क्योंकि अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना तो कोई इसमें एमओवी लगा हुआ ना कोई कोयल लगी हुई या अब सीधा हमारा रेक्टिफायर रेक्टिफायर से सीधा मेन आई है तो सबसे पहले रेक्टिफायर को टेस्ट करेंगे उसके बाद में मेन आई सी देखिए रेक्टिफायर पे क्या करेंगे इसमें दो माइनस की पिन होते हैं साइड साइड की प्लस माइनस होती हैं तो माइनस से ए वाली पिन को चेक करेंगे तो माइनस से ए फिर प्लस से ए तो यही चेक करते हैं इधर दर्जी देखिए पहले में ही शॉर्टिंग मिल गई सबसे पहले शॉर्टिंग मिल गई देखिए माइनस से ए वाले पे 500 सौ सात रीडिंग आनी चाहिए थी देखिए और फिर अगले वाले ए पे और फिर प्लस पे इन पर दो पे नहीं है लेकिन जो ए वाला पॉइंट है माइनस के बराबर में उससे माइनस वाले पे शॉर्टिंग आ रही है यानी कि माइनस वाली पिन को जो डायरेक्ट कर रहा है और प्लस पे दोस्तों रेक्टिफायर जंप करके जा रहा है मतलब तो इसका मतलब रेक्टिफायर में हाफ़ शोटिंग है तो दोस्तों ये रेक्टिफायर हमारा हाफ शोटिंग हो चुका है अब इसको एक बार ये दोबारा रिसोल्ड करके अच्छे से एक बार निकाल देते हैं यहाँ से क्योंकि जब पुरानी सोल्डिंग हो जाती है दोस्तों एक बार रिसोल्ड कर लेना चाहिए अच्छे से निकल जाती है वरना उसी में दोस्तों खिचर पिचर करते रहोगे तमीज़ में सोल्डिंग होएगी नहीं मज़ा नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर नीचे गिर गया हमने सोल्डिंग अच्छे से करी और इसकी जो पुरानी सोल्डिंग है उसको साफ़ कर लेते हैं और रेक्टीफायर को टेस्ट करेंगे निकालने के बाद सर्किट में क्या पता सर्किट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ लग रही हो जिससे शॉर्टिंग आ रही हो पर लेकिन इसमें ऐसा कोई कंपोनेंट है नहीं फिर से टेस्ट करते हैं इसी पिनों पर ये देखिए अब इन पिनों पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही इसका मतलब रेक्टिफायर के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है तो फिर एक बार रेक्टिफायर को चेक करते हैं निकालने के बाद देखिए कटिंग वाली साइड प्लस होती है बिना कटिंग वाली साइड माइनस होती है साइड की तो ये देखिए दोस्तों इस पर लगाया और बिच वाले पे देखिए सही से लगाता हूँ वो पिन स्लिप कर गई ये देखिए ये देखिए दोस्तों शॉर्टिंग साफ साफ आ रही है बारह ओम सा जबकि यहाँ पे सात सौ से मतलब पाँच सौ सात सौ के बीच में आनी चाहिए थी देखिये और पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब ये हमारा रेक्टिफायर शॉर्ट है अभी कोई मैं आपको लार्ज चार्ज यानी कि बड़ा साइज का रेक्टिफायर दिखाता हूँ क्योंकि छोटे साइज का मेरे ऊपर की तरफ रखे हैं मैं अभी दिखा दूंगा बाद में लगा के दिखा देंगे वीडियो के लिए आपको पूरा अच्छी तरीके से दिखाएंगे देखिए यहाँ पे माइनस से ए वाले पे चेक किया कोई शॉर्टिंग नहीं है तो ये रेक्टिफायर हमारा ओके इस रेक्टिफायर को लगा के एक बार टेस्ट करेंगे देखिए दोस्तों क्या होता है हमारा रेक्टिफायर में चार पिनें होती हैं जिधर कटिंग होती है और प्लस बाकी बिच वाली दो पिन जो होती है माइनस माइनस होती है यानी कि जहाँ से मेन लाइन ए सी की पॉइंट आते हैं बार और जो अपना दोस्तों बिना कटिंग का है बिल्कुल सपाट है सबसे लास्ट वाला वो दोस्तों माइनस पिन होती है ठीक है जी यानी कि रेक्टिफायर में साइड बाहर बाहर की तरफ की प्लस माइनस और भी अंदर की जो होती है वो एसी की होती है माइनस माइनस ठीक है जी यानी कि रेक्टिफायर सबको पता ही है काम क्या करता है माइनस माइनस टू प्लस माइनस अब इसमें माइनस माइनस आए या प्लस माइनस आए या प्लस प्लस आए तब भी ये प्लस माइनस निकालता है क्योंकि इसके अंदर चार डायोड होते हैं चार डायोड अपने अपने काम पर लगते हैं दो एक बार काम करते हैं दो एक बार काम करते हैं वो पोलरिटी के हिसाब से होता है पोलरिटी जैसे जैसे चेंज होएगी रेक्टिफायर में ऐसे ही ये काम करता रहेगा सपोज़ कीजिए आपने माइनस माइनस दे के प्लस माइनस दे दिया तब भी अपने सर्किट को जहाँ पे प्लस देना चाहिए वहाँ प्लस ही देगा और जहाँ माइनस देना चाहिए वहाँ माइनस ही देगा अगर आप इसे माइनस माइनस देते हो तब भी ये जितनी उसे प्लस देना है प्लस ही देगा और जहाँ इसे माइनस देना है वहाँ माइनस वह ही देगा अगर किसी वजह से मतलब कोई सी भी पोलरिटी देते हो उसे ये प्लस माइनस प्लस माइनस बिल्कुल सेट ही रखेगा अपने रेक्टिफायर का फुल का ये काम होता है ये ब्रिज फुल ब्रिज रेक्टिफायर है एक हाफ ब्रिज होता है जिसमें दो ही रेक्टिव दो ही डायोड लगते हैं और एक बिल्कुल हाफ से भी आप होता है जिसे क्वार्टर बोलते हैं यानी सिंगल एक डायोड उसमें क्या होता है दोस्तों माइनस माइनस ही देते हैं अगर आपने प्लस माइनस दे दिया तो वो उदासीन या काम नहीं करेगा जैसे केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा आप रिएक्शन करते हैं तो उदासीन हो जाती है बिल्कुल कोई भी रिएक्शन नहीं होती है इसी तरह से उसमें गलत हो जाएगी लेकिन अगर रेक्टिफायर लगाते हो तो कोई सा भी इसे वोल्टेज देंगे ये लेकिन प्लस माइनस ही देगा जो हमारा मेन कैपेसिटर जो होगा चार्ज वाला तो दोस्तों देखिए फिलहाल अब मेरे पास टेस्टिंग के लिए ये वाला बड़ा है ऊपर की तरफ छोटे रखे हम लगा दूंगा बाद में अभी मैंने बड़े वाला ऊपर से लगा के दिखाया आपको तो अब हमें करना क्या है दोस्तों यहाँ पे पहले कैपेसिटर को भी लगाएंगे तभी अब सीधा चेक करें क्योंकि ज़्यादा देर तक आईसी को डायरेक्ट वोल्टेज हम रेक्टिफायर से नहीं दे सकते जब तक फिल्टर करंट नहीं होगा मतलब जो आपके वोल्टेज हैं अच्छे तरह से फिल्टर नहीं होंगे तो यहाँ पे सैंतालीस म्यू एफ चार सौ पचास वोट लगा दें हमने कंपनी का लगाया है थोड़ा साइज छोटा है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है सर्किट के डिज़ाइन के ऊपर तो हम छोटा लगा दें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें बेफिक्र रहिए तो हमने इसको कैपेसिटर को लगा दिया है उसके बाद टेस्ट करेंगे क्या पता हमारा एस एम ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो सकता है या बड़ी आई सी भी शॉर्ट हो सकती है मतलब ये है कि दोस्तों सोल्यूसन तो देखो करके जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं तो दोस्तों पाँच मिनट छः मिनट दस मिनट बारह मिनट पंद्रह मिनट कितनी भी लग सकती हैं वो तो होता है देखिए कुछ हम एक फिक्स टाइम नहीं बता सकते दोस्तों चल रहा है काम आपके सामने है अब देखिए दोस्तों दोनों चीज़ हमने नहीं लगा दी है आपके सामने एक बार टेस्ट करते हैं मेन लाइन देखें ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने मेन लाइन दी इसमें ब्लिंकिंग करी रेड लाइट यानी कि इसमें पावर आ चुकी है ये वर्किंग में हो चुका है ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये देखिए आपके सामने है बिल्कुल अभी जो भी पीस भी आपके सामने आपके सामने करके दिखाया वही सामान लगा के दिखाया चेंज करके दिखाया आपको टेस्टिंग का मेथड बताया अब आउटपुट में एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं आउटपुट में जो 12 13 वोल्टेज आते हैं एक कैपेसिटर लगा होता है उस पर चेक कर दें यहाँ पे देखिए 12.39 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं देखिए यानी कि हमारे आउटपुट में वोल्टेज बनने लगे हैं दोस्तों हमारी पी ओके हो चुकी है और पाँच वोल्ट चेक कर लेते हैं माइक्रो पे जाते देखिए पाँच वोल्ट भी जा चुके हैं तो बारह वोल्ट और पाँच वोल्ट ओके बन गए हैं और हमारा ये जो सिग्नल की एल भी ग्लो करने लगी है तो दोस्तों ब्लिंकिंग कर रही है अभी आ है क्योंकि सभी कनेक्टर अभी जॉइंट नहीं है तो दोस्तों हमारी पी सी ओके हो गई है ये रेक्टिफायर शॉर्ट था और ये हमारा कैपेसिटर में समस्या थी तो हमने ये कंपोनेंट बदले टेस्टिंग का तरीका बता दिया आपको पूरा अच्छी तरह देखिए बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा है बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है तो आई होप मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में शेयर करने लें आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातम दोस्तों आपका दिन सुबह हो आप सभी अच्छे रहें बहुत खुश रहें आपको सभी भगवान खुश रहे